हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग निकले हैं ट्रिप के लिए, और कौन कौन है अपने साथ ट्रिप पे जाने के लिए वो मैं बता देता हूँ, और हम जा कहाँ रहे हैं वो बताएंगे आगे। तो अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं और हमारे साथ कौन कौन है। ये हमारे साथ जा रहा है आरिफ है, तो बच्चों ये है अरमान, हेलो कर दो, हेलो कर दो आरिफ, और आरिफ तुम भी हेलो कर दो सब्सक्राइबर को। तो अपन लोग अभी निकले हैं और टाइम हो रहा है 11:29। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब सस्पेंस क्या रखे मैं बता ही देता हूँ। हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो अभी अपन लोग निकले हैं गाजियाबाद से, और जैसे जैसे आगे का जो प्रोग्राम रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, बने रही है वीडियो के अंदर। और अभी हम हैं ईस्टर्न पेरिफेरल पे, और यहाँ से हम अभी आएंगे मेरठ एक्सप्रेस वे, और ये आ गया है टोल। अब तो हर जगह फास्टैग ही है, क्या हो गया, रीड नहीं कर रहा क्या, हो गया, चलो भाई। अभी अपन लोग यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्ट करेंगे मेरठ एक्सप्रेस वे, अभी आगे जाएगा ये, उस पर कनेक्ट। ये हम लोग आ गए हैं टोल प्लाजा मेरठ वाला। अब मेरठ एक्सप्रेस वे से यहाँ से हम लोग ना उतर जाएंगे और हरिद्वार वाले उस पर आ जाएंगे, ये हाईवे पे। और यहाँ का टोल है मेरे ख्याल से शायद 80 रुपये टोल है इसका, लेकिन पहले यहाँ पे यहाँ से और मेरठ आने में तकरीबन 2-3 घंटे भी लग जाते थे ट्रैफिक की वजह से। अगर 80 रुपये यहाँ देना ना वर्थ है, मैं दिखा देता हूँ, 80 नहीं है 155 रुपये है मेरठ वाला, सिंगल जर्नी 155 है, रिटर्न 230 है। अगर 24 घंटे के अंदर आ जाओगे तो 230 रुपये लगेंगे। अब इतना बढ़िया हो गया तो 155 रुपये ज़्यादा थोड़ी है ना भाई, सही है सर, पहले के हिसाब से देखोगे तो बहुत सही। ये है मेरठ की जैन शिकंजी, आप जब भी आओ तो जैन शिकंजी पे ना शिकंजी पी के जाओ, 85 मीटर आगे है। और आपका ऋषिकेश है 101 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 239, ये देखो भाई साहब मनसा देवी, आप नजर आ रही होंगी, देखो ये हम लोग आ गए हैं हरिद्वार में। और अभी हम लोग चल रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ, और पहले हर की पौड़ी जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे ऊपर मनसा देवी पे। ये सर चले गए हैं, पानी का बहाव बहुत तेज है। हम लोगों ने उड़न कटोला ले लिया है क्योंकि बच्चों की हालत बहुत पस्त हो गई, थके, गर्मी बहुत हो रही है। कितनी गर्मी हो रही है भाई? 37 डिग्री। अरे वैसे बताना क्या फील हो रहा है, 37 डिग्री, मुँह लाल हो गए क्या, मुँह देखो ऐसा। चलो कोई नहीं, वैसे पैदल जाते जल्दी पहुंच जाते हैं, टेम्पो में ज़्यादा टाइम लगता है, थकते तो नहीं? हाँ थकते। यहाँ पे उड़न खटोला की टिकट मिलती है, जो टिकट आपको लेनी होगी यहाँ से लेनी पड़ेगी, और यहाँ से मनसा देवी की टिकट मिल जाएगी, चंडी देवी की मिल जाएगी, कॉम्बो भी मिल जाएगा। तो आपको जब टिकट लेना हो तो यहाँ पे आना पड़ेगा आपको ना, इन काउंटर्स पे, फिर यहाँ से फिर अंदर एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद उड़न खटोला से। ये आ गए हम लोग उड़न खटोला, कहाँ रह गए? नंबर 88 नंबर।
ये यहाँ का वेटिंग एरिया है, जहाँ पे आप लोग उड़न खटोले में आते हो तो वेटिंग एरिया में आपको यहाँ पे बैठना होता है। ये हम लोग चल दिए मनसा देवी के लिए उड़न खटोले से। ये हम लोग आ गए हैं मंदिर परिसर में और यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे मनसा देवी जी के दर्शन करने के लिए। मैं हूँ और मेरे साथ आरव है। जय श्री की, जय जय मनसा देवी की जय। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ मनोकामना का धागा बांधते हैं और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आप अपना धागा खोल के ले जा सकते हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए है और कैसे दर्शन हुए? मजा आ गया भाई। चलो अब हम जा रहे हैं दोबारा नीचे वापसी ट्रॉली के से। ये हम जा रहे हैं ट्रॉली पे और ये देखिए भाई साहब क्या नज़ारा है, रेखा ने मुंह ढक लिया है। चलो ठीक है दोबारा नहीं बना। अब यहाँ पे गंगा जी की आरती होगी 6 बजे से और सारे श्रद्धालुगण यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं आरती के लिए। ये अपने आप नहीं हो रहा है।